ये दर्द से तार पलट जाए तो अच्छा होता। शाबाश। हर बला सर से सिमट जाए तो अच्छा होता। अजय भैया, दर्द से तार पलट जाए तो अच्छा होता। अरे हर बला सर से सिमट जाए तो अच्छा होता। जिंदगी में माँ अमर कहते हैं मेरी बाकी जिंदगी में माँ तेरे कदमों में कट जाए तो अच्छा होगा। शाबाश शाबाश। मेन माइक की थोड़ी आवाज बढ़ा दो। कौन? यही हालात है। आइए एक दुआ आपकी ओर से आया है। कौन सा बड़े और फिल्म दुनिया वाले ने कहा है क्या? क्योंकि समय रखा है, समय दे दिया गया है। फिल्मी दुनिया वालों को आपने सुन लिया है और कहने लगे रोशनी जी कि सब जा रही हूं तुझको। समझा रहा हूं, समझा रही है। आई बड़ी बढ़िया बात है कि आप आए हैं। आपने कि वो इतना नाम बताया, वही बात है कि खेसियान लोग का खबर मुझे कहने लगे आपने हमको मासूम कली कह दिया है। एक हीरोइन हुई थी जिसका नाम था टुनटुन। ये कब आई भाई साहब? ये हीरोइन आज हमारे पहली बार सुनी है। बिल्कुल बेटे। हो सकता है कि आप उस समय पैदा भी ना हुए हो। अच्छा आई कहना है गुस्सा है। पहले आतंकियों को सजा दे फिर कश्मीर सजा दे। आप कह रहे कश्मीर सजा दे और जो नीचे छींका बजा रहे वो कह रहे कश्मीर को सजा दे। बहुत जानकार दोनों तो बहुत जानकार। आई हुई बात रही है और लड़का ज्ञानी मेरी ओर से जवाब क्यों क्या सुनेगा श्रीमान जी? वही तो सजा रहा है। ये 370 के पहले एक बात और थी। कौन से बेटे? सुनो मेरी बात सुनेगा। सुनो दीवाना सोनी का जवाब। कुछ घटना और घटी जिसको आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा। कहना पड़ा क्या? 35 हटा है अगर स्वाहा हुआ तो 35 ले भी हटा। सुनिएगा सुनिए आतंकवादियों का अब साया घटा है। क्या बात है बेटा?
तो ये मोदी जी ने एक बात और कही और मोदी जी मोदी देश का एक एक बच्चा कहने लगा तो छपने की चीज सीने में। अरे भैया सुनिए, तुम्हारा तो कहीं से छपने पर कैसे नहीं लगता है ना। अरे छपनी चीसी दे दे, तो छपनी चीसी दे दे, अरे रखी कोई कमी ना। क्या बात है बेटे, छपनी चीसी दे दे, रखी कोई कमी ना। कहना पड़ा क्या बेटे, और जमीना ताक तेरी, जमीना ताक तेरी, हम देंगे तुम्हें जमीना, जमीना ताक तेरी, हम देंगे तुझे जमीन। क्यों तू भारत देश कमीना है, कमीना भारत से बड़ा कोई कोई चमक नहीं रहा, भारत बोल रही हूँ चमक ना कहना। अरे पाप तू निकला कमीना है, पाप है पाप। भाई साहब जवान है, फसल जाती है, इतना प्रसन्न ना होइए क्योंकि तुरंत निकला जवाब होता है। पाप तो निकला कमीना तेरी धाक कहीं जा, भारत तू निकला। फिर वही बात आ रही है, क्षमा करेगा, बोले भारत माता की जय। पाप तू निकला कमीना तेरी धाक कहीं जमीना, सच्चे दरबार की जय। अरे खिलाओ भैया, पता नहीं किस मूड में है, जब उधर से जैसा सवाल आएगा जवाब तो वैसा ही जाएगा। अब हम शंकर जी के बारे में गाए, वो कुछ और गाए तो कैसे जवाब दे होते। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम रात में शंकर जी का गाते हैं। और इसी जवाब की ओर से, जवाब के लिए ये कमेटी की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद है, बार बार धन्यवाद है। भाई साहब जवाब देंगे, जिस हिसाब से गीत आ रहा है अगर जवाब नहीं देंगे तो भी आप लोग कहेंगे। वो शेरो वाले के कह रहे, तो हम लोग लाटा वाले के कह रहे। आइए, ये गीत आपकी ओर से आया है, एक टुकड़े में जवाब नहीं दे रही है। हाँ ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है। सही है, मुझे पीने का शौक
Come on!
नगर। अजय भैया आप सुनेंगे तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहना है क्या? अरे दशरथ के प्रीति नाशा भाई साहब की ओर से आपने आपको देखते हुए भाई साहब भाई कहना भैया की ओर से क्या कहने का आशीर्वाद है? बहुत बहुत धन्यवाद है कहना। अरे दशरथ के प्रीति राजा श्रवण के मामा को दशरथ के प्रीति राजा अरे लेकिन तिला ना पारे। और अगर बात अच्छी लगे तो तालियों से स्वागत करिएगा। दशरथ के प्रीति राजा अरे लेकिन तिला पानी लिए खड़े थे पानी पिलाना पानी लिए खड़े थे पर पानी पिला नहीं पाए। श्रवण उस सप्त वेदी स्थल से गया था हमारा, जबकि ये मानना था कि आवाज जहाँ से आएगी तीर बन जाएगा। मगर अजय भैया अरे किया दूर दो या दूर दो दिनों से अरे लेकिन मिला न पाए। पानी लिए खड़े थे पानी पिलाना क्या? सुनो राजा सुनो राजन सुनो के अनमोल रतन छूटा पर माता का ललन छूटा। अनमोल रतन छूटा माता का ललन छूटा और सजनी का सजन छूटा गुलजार चमन लूटा। एक एक लाइन एक एक शब्द नोट कर लेना। माँ बाप से रतन छूट गया, माता से ललन छूट गया, सजनी से सजन छूट गया और इस गुलजार का चमन छूट गया। तो कहना क्या? अरे गुलशन में खिजा लाए गुलशन में खिजा लाए और ले
दशरथ रहे अनजाने, चार तो रोने नहीं थी पगल, एक जान गई सुनकर तो और गई जाने, एक जान तो चली गई मगर तो और सुनकर चली गई। तो कहना अजय भैया तो तीन से हो जाने माँ बाप ने जब सुना तो उनके भी प्राण चले गए। तो कहना बड़ा क्या अरे से लेकिन चिल्लाना पाए क्या बात है बेटे, जाने तो तीन ही मगर एक भी चिल्ला नहीं पाए। तो तीन से खेलावट भैया
पड़ी। लाल रंग पचरंग के बजरंगी और भाई भैया अरे काले काले भैरव भी शिव के अंगी। काले काले भैरव समझते रहिए तो भगवान भोलेनाथ के अंश है तो कहना क्या बड़े अरे काले काले भैरव भी शिव के अंगी। अजय भैया कि एक ही अंश दो रूप में डमरू वाला एक ही अंश से दो रूप में और मेरे कैसे कि एक ही अंश दो रूप में डमरू एक मूछ वाला एक लंबी मूछ वाला। मूछ वाले कौन? बाबा भैरव। और मूछ वाले कौन? बाबा बजरंगबली। लिखते रहना कहना कि एक ही अंश दो रूप में डमरू वाला तो एक पूछ वाला एक पूछ वाला एक लंबी पूछ वाला। मगर एक चीज और मिली और मिला क्या? क्या के शिव की गोदी शिवजी के लाला। क्या बात है बेटे? भगवान भोलेनाथ की गोदी में खेल रहे हैं तो कहना क्या के शिव की गोदी में खेल रहे शिवजी के लाला। तो लिख लो एक छह मूड़ वाला एक छह मूड़ वाला एक लंबी सूढ़ वाला। धन्यवाद है प्रणाम करी हम सभी को। एक छह मूड़ वाला कौन यानी कार्तिकेय और एक लंबी सूढ़ वाला यानी बाबा गणेश। जय हो। और एक बात और कही गई है क्या कि एक भूत भावन एक भूत भगावन। ऐसे भोलेनाथ के संगी साथी भूत प्रेत और बाबा बजरंगबली का नाम सुन के भाग जाते हैं। भूत एक भूत भावन है एक भूत भगावन है तो कहना एक भूत लोटा चाचा।